गुड मॉर्निंग एलकेजी की इंग्लिश की क्लास में मैं अभी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए। कल की क्लास में हमने वोवेल और कंसोनेंट सीखा था। आज आगे है साउंड ऑफ ए, फोनिक साउंड ऑफ ए। ये मैं बतला चुकी थी कि वोवेल और कंसोनेंट पढ़ने के बाद फाइव वोवेल्स है ए ई आई ओ यू, आगे उनके साउंड पढ़ने हैं। साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ई, साउंड ऑफ ओ, साउंड ऑफ यू, साउंड ऑफ आई, ये सारे पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं साउंड ऑफ ए। साउंड ऑफ ए में है क्या है सी ए, इससे पहले तो पढ़ाई हो चुकी है, फिर भी मैं यही बात पढ़ना है, अभी बार बार पढ़ना है तो मैं फिर से बतला रही हूँ, आपको ध्यान दीजिए। सी फॉर सॉरी साउंड ऑफ ए में कौन कौन से वर्ड आएंगे, सी ए आर का, पी एन पैन, एच ए टी है, सारे में साउंड ए का साउंड आ रहा है। सी ए आर का ए आ रहा है, पी एन पैन ए आ रहा है, एच ए टी है, ए आ रहा है साउंड ऑफ ए। उसके बाद है जोर जोर से पढ़ना है, उसमें कौन से वर्ड आते हैं, क्या सब जुड़ा हुआ है, चार चार वर्ड करके इसमें डिफरेंट वर्ड्स बतलाए गए हैं, मतलब अलग अलग टेबल बना हुआ है जिसमें कि साउंड ऑफ ए डी, मतलब ऐसे वर्ड हैं जिसमें ए डी का साउंड आता है, साउंड ऑफ ए जी, ए जी का साउंड आता है, साउंड ऑफ ए एम, ए एम का साउंड आता है, साउंड ऑफ ए एन, ए एन का साउंड आता है, साउंड ऑफ ए पी, ए पी का साउंड आता है, और साउंड ऑफ ए टी यानी ए टी का साउंड आता है। तो चलिए देखते हैं, पहले साउंड ऑफ ए वाले वर्ड्स जो हैं इसमें लिखे हुए हैं वो मैं बतला रही हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। साउंड ऑफ ए में जो वर्ड्स हैं इसमें जो दिए हुए, वैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं पर मैं आपको बताऊंगी ये बुक वाले वर्ड्स पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद अपने आप आपको पता चल जाएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। तो आपको ये भी पता होगा कि मैं दूसरा वर्ड भी बोलूंगी तो पूछूंगी कि इसमें किस चीज़ का साउंड है, तो आप बतला सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो साउंड ऑफ ए में है पहले साउंड ऑफ वॉली ए, ए साउंड में क्या सब आ रहा है, सी ए आर का ए का साउंड है, पी ए एन पैन ए का साउंड है। ठीक है, उसके बाद एच ए टी है ए का साउंड है, साउंड ऑफ ए, सी आर का पी एन पैन एच ए टी है, सब में ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, साउंड ऑफ ए ए है, ए वाले वर्ड्स हैं। अब है साउंड ऑफ ए डी, ए तो है ही पर उसके साथ डी भी आना चाहिए, ऐसे वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर देखते हैं साउंड ऑफ ए डी, ए के साथ डी, ऐसे वर्ड्स लिखते हैं। तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं चलिए देखते हैं। बी ए डी बैट, ए डी लगा हुआ है, एल ए डी लैंड, ए डी लगा हुआ है, पी ए डी बैट, ए डी लगा हुआ है, और एस ए डी सैड, ए डी लगा हुआ है। ये है चारों साउंड ऑफ ए डी वर्ड्स, पी बी ए डी बैट, पी ए डी बैट, एल ए डी लैंड, एस ए डी सैड, साउंड ऑफ ए डी वर्ड्स, बी ए डी बैट, पी ए डी बैट, एल ए डी लैंड, एस ए डी सैड। अब आगे देखते हैं साउंड ऑफ ए डी वर्ड्स, साउंड ऑफ ए सी, ऐसे वर्ड्स जिसमें ए जी लगा हो, ए के साथ जी भी हो। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे वर्ड्स कौन सब हैं, बी ए जी बैल, ए जी एल, ए जी लैग, ए जी एस, ए जी सै, ए जी और फिर टी ए जी टैग, ए जी साउंड ऑफ ए जी वर्ड्स, बी ए जी
साउंड ऑफ एम वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिसमें एम लगा हो, साउंड ऑफ ए एम, ऐसे वर्ड्स जिसमें एम लगा हो। चलिए देखते हैं कौन सा है। टी ए एम, डैम एम लगा है। एच ए एम, हैम एम लगा है। जे ए एम, जैम एम लगा है। और आर ए एम, रैम एम लगा है। साउंड ऑफ एम वर्ड्स, डी एम डैम, एच एम हैम, जे एम जैम, आर एम रैम। साउंड ऑफ एम वर्ड्स अभी देखिए, डी एम डैम, एच एम हैम, जे एम जैम, आर एम रैम। अब आगे देखते हैं साउंड ऑफ ए एम, साउंड ऑफ ए एम वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिसमें साउंड ए के साथ एम का भी आता हो। ऐसे वर्ड्स कौन से हैं? सी ए एम, कैन एम लगा है, ठीक है। एफ एन, फैन एम लगा है। एम ए मैन एम लगा है। उसके बाद पी ए एम, फैन एम लगा है। चलिए देखते हैं साउंड ऑफ एम वर्ड्स। सी एम फैन ए लगा है, एफ एन फैन ए लगा है, एम ए मैन ए लगा है, पी एन फैन ए लगा है। साउंड ऑफ एम सी एम फैन, एफ एन फैन, ठीक है। साउंड ऑफ ए। अब आगे देखते हैं साउंड ऑफ ए बी। साउंड ऑफ ए बी वर्ड्स, ए के साथ बी का साउंड, ऐसे वर्ड्स कौन सा है? सी ए पी कैट, ए पी लगा है। एल ए पी कैट, ए पी लगा है। एम ए पी मैन, ए पी लगा है। और क्या है? एल ए पी नैट, ए पी लगा है, ठीक है। साउंड ऑफ ए पी वर्ड्स, सी ए पी कैट, एल ए पी लैट, एपी मैन, एनएपी नैन। साउंड ऑफ एपी, ए के साथ पी आ रहा है। सी ए पी कैट, एल ए पी लैट, एम एपी मैन, एनएपी नैन। ये हुए साउंड ऑफ एपी वर्ड्स। ये मैं बता चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों को ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये मैं दोबारा बता रही हूँ, इसलिए फर्स्ट में भी बताऊंगी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साउंड ऑफ एपी। अब ऐसे वर्ड्स जिसमें ए के साथ पी आर, ऐसे वर्ड्स साउंड ऑफ एटी वर्ड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं साउंड ऑफ एटी में कौन कौन से वर्ड आते हैं। पी वर्ड में बी ए टी बैट, एटी साउंड ऑफ एटी। सी ए टी बैट, एटी। एच ए टी है, एटी। और एम ए टी मैन, एटी। एम ए टी मैन, एटी। साउंड ऑफ एटी वर्ड्स हैं बी ए टी बैट, एटी आ रहा है। सी ए टी कैट, एटी आ रहा है। एच ए टी है, एटी आ रहा है। एम ए टी मैन, एटी आ रहा है। ये सारे साउंड ऑफ एटी वर्ड्स, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एच ए टी है, एम ए टी मैन, ये साउंड ऑफ एटी वर्ड्स हैं। साउंड ऑफ एटी देखो, साउंड ऑफ एटी। यानी टोटल हमने आज साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ए बी, साउंड ऑफ ए जी, साउंड ऑफ ए एम, साउंड ऑफ ए एम एंड साउंड ऑफ ए पी वर्ड्स, ए पी और साउंड ऑफ ए टी वर्ड्स देखे, ठीक है। अभी तक हमने सिक्स टाइप के वर्ड्स, मतलब छह तरह के अलग अलग साउंड हमने देखा है। ए के साथ बी बी है, ए बी साउंड के, ए के साथ जी है यानी साउंड ऑफ ए जी, ए के साथ एम है साउंड ऑफ ए एम, ए के साथ एन है साउंड ऑफ ए एन,
ए के साथ पी है, साउंड ऑफ ए पी एंड साउंड ऑफ ए टी ए के साथ टी भी लगा हुआ है। इस तरह से आज की क्लास में हमने फिर से पढ़ा साउंड ऑफ ए। तो आज की क्लास में